दीपों के पर्व दीपावली पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत तिनकोनिया नंबर 3 ग्राम में वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली मनाया और ग्राम के विकास के लिए लगभग 1,32,00,000 की कुल 7 परियोजनाओं जिसमें 1 परियोजना का शिलान्यास तथा 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि गोरखपुर का सांसद बनने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया समुदाय के उत्थान के लिए कार्य शुरू किया है और उनके साथ दिवाली का पर्व मनाने लगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने गांव में सड़क, नाली, शिक्षा, शुद्ध पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष शुरू किया और जब वे 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली तो वनटांगिया गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिलाया और वहाँ सरकार की सारी योजनाओं को लागू कराया। रविवार को वनटांगिया गांव दिवाली मनाने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा हैंडवाश डेमो कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण पर बच्चों को सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के कुल 6 वनटांगिया राजस्व ग्रामों के मुखिया सहित अन्य संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनपद के चयनित 5 वनटांगिया बस्ती को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत इन सभी गांवों में कुल 791 आवास निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके तहत 694 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 97 निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व इन गांवों में पक्का मकान, शौचालय, पेंशन, मालिकाना हक, हैंडपंप, सड़क, बिजली आदि नहीं था लेकिन प्रदेश सरकार ने इन गांवों की सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। बच्चों के लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर आदि भी उपलब्ध हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पर्व एवं त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाने का है और यह सामूहिकता का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर 38 वनटांगिया बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देकर उन्हें शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊंचाई पर लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटी बेटा में भेदभाव समाप्त करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं और इसी कड़ी में अभी 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत भी की गई है जिसके तहत 6 चरणों में बालिका के जन्म से लेकर स्नातक प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने तक उन्हें कुल 15,000 रुपये की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बालिका की शादी के लिए 51,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि वनटांगिया राजस्व ग्रामों में कुल 647 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है। स्वागत भाषण विधायक ग्रामीण विपिन सिंह ने किया। कुल 40 की सांस्कृतिक विरासत को अपनी बात में संजोए हुए जो कि प्रकृति के स्थापित मेला पर मंच पर उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, माननीय विधायकगण, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समुपस्थित कर्तव्यपरायण प्रशासन संवर्ग, समाज एवं देश के चतुर्थ स्तंभ प्रसारक एवं प्रिंट मीडिया, समस्त वटानी एवं अभिनंदन, सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी अपने स्थान पर पंडाल में बैठे हुए आप सभी अपना स्थान ले लें। हमारी संस्कृति की हमारी विरासत है, इसी विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती बागेरवाड़ भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन होगा। बताने वाले आज उत्तर प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री के हैसियत से भी लगातार 3 वर्षों से दीपावली के दिन यहाँ पधारने वाले पूज्य महाराज जी नहीं ऑफलाइन मंच पर आती प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानानंद तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राहुल श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक दीप राय, महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक सजनवा शीतल पांडे जी, माननीय विधायक खरीनी संत प्रसाद जी, बड़े भाई अमरेश सिंह जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए राजा सुखराम भट्टा के सभी सम्मानित नागरिक बंधु, सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार बंधु साथियों, सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। मित्रों, जब से पूज्य महाराज जी ने प्रदेश की बात को संभाली है, तब से प्रदेश के सारे बंटाने गांवों में हर तरह की सुविधा हो गई है। जैसा कि एक आम गांव में होता है, हम पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहेंगे। और अभी आज भी आपके बगल में कई योजनाओं का बंटन के ग्राम में पूर्व महाराज जी द्वारा यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। साथियों, हम पूर्व महाराज जी को अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक बड़ी जरूरत की रोड थी, हम उसके लिए बधाई देंगे। 12 करोड़ 3 लाख रुपए पूर्व महाराज जी ने रानी निहार से और मिर्जापुर को स्वीकृति दी है। इसके लिए हम ग्रामीण की जनता की तरफ से ढेर सारी बधाई पूर्व महाराज जी को देंगे। टेंडर भी हो गया है साथियों, जब वही काम शुरू होगा सम्मानित करें। आपका बंटानिया क्षेत्र के ये बच्चे हैंड वॉश टोली में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष स्वच्छता पर आधारित इन्होंने प्रदर्शन किया और स्कूली के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ प्रशस्ति पत्र के साथ दीपावली के इस पावन पर्व पर यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए गीता राधिका दीपोत्सव के इस आलोक पर्व पर नन्हे मुन्ने बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वरदान प्राप्त होता हुआ वरदस वंदनी नंदिनी वर्तानिया क्षेत्र की ये बालिकाएं वंदनी नंदिनी रामकिशन छोटू विशाल दीपक और इसके बाद हैंडबॉल्स की टीम के जो भी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं श्री एश परिमल रामकिशन प्राथमिक विद्यालय के ये बच्चे इन्होंने अभी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी कि किस प्रकार हमें दैनिक कर्मों के बाद अपनी दैनिक क्रियाओं के बाद अपने हाथ को स्वच्छ रखना चाहिए रामकिशन छोटू निसार एवं दीपक इसके बाद हैंडवॉश टीम के को सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं श्री ऐश्वर्य मल हिमांशु गुप्ता एवं श्री नलन जायसवाल जी आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर के आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए अनामिका निशा मधु अभिमन्यु सोनू क्लास थर्ड में पढ़ने वाला बच्चा सोनू विद्यालय जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 से सोनू खुशी इन बच्चों को जिन्होंने अपने दैनिक क्रियाओं में शिक्षा को महत्व दिया खुशी क्लास 3 के स्टूडेंट करण सना श्री राजकुमार रिंगू दीपावली के पावन पर्व पर नन्हे बच्चों को प्रशस्ति पत्र दे करके निशान के द्वारा हमें दीप ज्योति के साथ आलोक पर्व पर सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता हो इसी क्रम में वनटांगिया के 6 मुखियाओं को सम्मानित करने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों से वनटांगिया बस्ती के मुखियाओं को सम्मानित करें जिस क्रम में सर्वप्रथम श्री राम गणेश गौड़ जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 के ग्राम मुखिया चौधरी करके श्री राम गणेश गौड़ जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 के मुखिया इसके पश्चात श्री राम नयन निसार आजाद नगर रजनी कृपया तुरंत आ जाए इनके पीछे श्री राम नयन निसार सहजन का वृक्ष लेकर के उन्हें समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता हुआ श्री राम ने अन्य साथ आजाद नगर रजनी ठीक इसके पश्चात श्री बलराम राजभर खाले पुलवासी इसके पश्चात श्री विशंभर मौर्य आमबाग से श्री परमात्मा निसार चिलवलिया सिंह
श्री जयराम सरकार फरीदा महाराजगंज से, श्री चंद्रजीत जंगल त्रिकोणिया नंबर 3। दीपावली पर सम्मान की इस कड़ी में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव को सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण के प्राचार्य से अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आकर उनके कर कमलों से विशिष्ट पत्र प्राप्त करें। सम्मान का यह अवसर दीपावली के पावन पर महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी, इसके पश्चात महाराणा प्रताप विंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री संदीप कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। महाराणा प्रताप विंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री संदीप कुमार। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी संगठन प्रदेश महामंत्री श्री इंजीनियर पी के मल सर से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर आकर के प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसी क्रम में पीएनएम संस्था को प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह जी से अनुरोध है। हिंदू पीठ के शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। श्री चंद्रदेव तिवारी जी, हिंदू विद्यापीठ के शिक्षक श्री चंद्रदेव तिवारी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दीपावली के इस अवसर पर इस पावन पर्व पर श्रीमती संध्या, हिंदू विद्यापीठ के शिक्षक श्री संजय कुमार, हिंदू विद्यापीठ के ये शिक्षकों को दीपावली के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वरदहस्त के रूप में प्राप्त होता हुआ प्रशस्ति बढ़ता हुआ दीप का कार्यक्रम, दीपोत्सव का कार्यक्रम रामराज की अपनी भूमिका द्वारा मुखातिब करने में हम सभी को प्रणाम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मंडांगिया सबको उन्नति का अवसर प्राप्त हो, सभी के अंदर स्वाभिमान का बोध हो, मेरी आकांक्षाओं के साथ पढ़ने बढ़ने जीवन को गढ़ने का दीपावली के इस अवसर पर मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आप सभी बंटागिया गांव से जुड़े हुए यहाँ के जितने भी नागरिकगण हैं, आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूँ और सही मायने में कहें तो दीपावली का ये शुभ अवसर सबसे अच्छा आजादी के बाद अगर किसी के सामने आया है तो वह बंटागिया गांव के लिए आया है। आजादी के बाद अपने हक के लिए शासन प्रशासन के सामने निरंतर गुहार लगाते लगाते थकने के बाद आज जिन्हें सही मायने में दीपोत्सव का आनंद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे बंटागिया गांव से जुड़े हुए दीवाड़ी के मोहन जी हैं, जो अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य श्री विजय शंकर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र शुक्ल जी, प्रदेश मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, युवा कल्याण बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, पीके मल जी, रमेश सिंह जी, आनंद शाही जी, डॉक्टर प्रदीप राव जी, श्री संदीप कुमार जी, संत गुलाब यादव जी, श्याम सुंदर निषाद जी और यहाँ पर उपस्थित बनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, तमसो मां ज्योतिर्गमय की भाव से मनाया जाने वाला दीपावली का यह पर्व हम सब के जीवन में भी यही प्रकाश और यही उत्साह लेकर के आए। जो हम लोगों ने कल अयोध्या में देखा है, इस बनटांगिया गांव में देखा है, इसके प्रति आप सब के प्रति अपनी बधाई और शुभकामना देने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं भी ऊपर से देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब 2 वर्ष पहले हम लोग यहां पर आते थे तब यहां एक भी पक्का मकान नहीं था, केवल झोपड़ी थी, किसी के पास मालिकाना हक नहीं था, किसी भी घर में शौचालय नहीं था, किसी के पास भी राशन कार्ड नहीं था, कोई पेंशन की सुविधा नहीं थी, पानी पीने के लिए हैंडपंप नहीं थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, विद्युत के कनेक्शन नहीं थे, रसोई गैस के कनेक्शन भी नहीं थे। और आज 2.5 वर्ष के बाद ये ना 5,000 की आबादी के 5 गांवों में बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, उनके पक्के मकान भी है, शौचालय भी है, रसोई गैस का कनेक्शन भी है, विद्युत का कनेक्शन भी है, राशन कार्ड की सुविधा भी है और सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराने के साथ साथ आवास की सुविधा भी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में यहां के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन 5 बनटांगिया गांवों में, उनके बच्चों के पास यूनिफॉर्म भी हो गई है, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उन सबको भी प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सही मायने में दीपावली यह आप सबके जीवन में आजादी के बाद पहली बार हो आई है और इसीलिए मैं आप सबको बधाई देने के लिए विशेष रूप से अयोध्या से यहां आया हूं। भाइयों बहनों, हम सबके जीवन में दीपावली का महत्व यह अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर जाने का एक पर्व है। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा देखें, जब हम सब अच्छा ही करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा और इस अच्छा ही परिणाम के लिए यह सबसे आदर्श व्यवस्था आपके बनटांगिया गांव की देखने को मिल सकती है। मुझे याद है आज से जब 12-15 वर्ष पहले हम लोग पहली बार इस बनटांगिया गांव में आए थे,
यहाँ पर एक भी मकान पक्का नहीं था। यहाँ के लोगों का शोषण होता था, वन विभाग भी करता था, पुलिस विभाग भी शोषण करता था। आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे स्कूल जा पाते थे नहीं जा पाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुविधा नहीं मिलती थी, न राशन की, न पेंशन की, न किसी भी अन्य प्रकार की योजना यहाँ पर लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती थी। यानी एक प्रकार से देश के अंदर लोगों को आजादी मिली थी, लेकिन बंटागिया गांव में रहने वाले लोग आज भी गुलामी के उस दायरे में कैद होकर के रह गए थे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 38 ऐसे गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर के सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई है। के नाम पर बांट रहे थे, उन्होंने कभी आपकी समस्या को सुनने का प्रयास नहीं किया। उनके पास फुर्सत भी कहां थी इतनी। उनके समय में तो पर्व और त्योहार ऐसे लगते थे जैसे कोई एक चैलेंज आ गया हो, एक संकट आ गया हो। पर्व और त्योहार हर्ष और उल्लास का नहीं, बल्कि उन सरकारों के समय में संकट और शोक के माध्यम बन जाते थे। लेकिन आज पर्व और त्योहार को फिर से हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी सामूहिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता के भी प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं। और हजारों वर्षों से इन पर्व और त्योहारों ने भारत की एकात्मता की छाप देश और दुनिया के अंदर छोड़ करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की ही प्रेरणा हम सबको प्रदान की। भाइयों बहनों, हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहली बार आजादी के बाद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान प्रारंभ किए। गरीब को मिलने वाला मकान हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार को दिया जाने वाला शौचालय, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन हो या सौभाग्य योजना में हर परिवार को दिया जाने वाला विद्युत का निशुल्क कनेक्शन, सड़क की सुविधा हो या आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा हर परिवार को प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था, यह पहली बार हो पा रहा है। ये कार्य वे लोग भी कर सकते थे जिन्हें 55 वर्ष 60 वर्ष तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उनके एजेंडे में कभी गरीब नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, बच्चे नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। अगर उनके एजेंडे में ये होता तो वे लोग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते, अच्छी यूनिफॉर्म देते, बैग देते, बुक्स देते, स्वेटर देते, जूता मोजा देते, उन्होंने नहीं किया। महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही अभी हम लोगों ने परसों एक योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 2000 रुपया दे देना। बेटी 1 साल की होगी, सभी प्रकार के टीकाकरण से परिवार उसे आच्छादित करे, 1000 रुपए सरकार फिर दे देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी फिर 2000 रुपए सरकार देगी। बेटी 6वीं क्लास में जाएगी फिर सरकार 2000 रुपया देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार 3000 रुपया देगी। और बेटी उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री का कोई कोर्स करेगी तो उसके लिए सरकार 5000 रुपया फिर देगी। और बेटी शादी योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51000 रुपया उस बेटी की शादी के लिए सरकार देगी। इस सरकार ने योजना आपके लिए लागू की है। प्रधानमंत्री मोदी जी
बेटे के भेद को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार की महिला को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, प्राथमिकता ये तय की गई कि इस योजना में मिलने वाले मकान की मालकिन घर की महिला होगी और उसके नाम पर ये मकान बनना चाहिए। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार में एक एक शौचालय देकर के उस परिवार को स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरणा देने और नारी गरिमा की सम्मान की रक्षा के लिए भी यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको उपलब्ध कराया। बिना भेदभाव के हमने तो किसी की जाति नहीं देखी। जिन गांव को पंटालिया गांव के रूप में, राजस्व गांव के रूप में हमने मान्यता दी, इनमें तो सब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ी जाति के ही सारे लोग हैं। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी। जो लोग जाति का नारा देते थे उन लोगों ने कभी आपकी आवाज को नहीं सुना। आपकी आवाज को सुना है तो मोदी जी ने सुना है या फिर हमारी सरकार ने सुना है और योजनाओं का लाभ लेकर के भी हम ही लोग आपके पास आए हैं। और आज यही कहने के लिए एक बार फिर से मैं आया हूं। यहाँ पर हमने वृद्धावस्था पेंशन भी दिया है, विधवा पेंशन भी दिया है, दिव्यांग पेंशन भी दिया है, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में 791 आवास यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था की गई है, जहां बिजली नहीं पहुंच सकती थी वहां सोलर पैनल देकर के उन लोगों को आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था करने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी इन क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए हैं। 647 परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और आज फिर से हम बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, अन्य कार्यों के लिए भी आज ये कार्य लेकर के हम लोग एक बार पुनः आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यही वास्तविक दीपावली है। हमारा पर्व और त्योहार अपने पर्वों को केवल अपने घर तक सीमित रखने के लिए नहीं कहता है। मेरे साथ जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, श्री महेंद्रपाल सिंह जब ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे तब भी वे यहां पर मेरे साथ आते थे। डॉक्टर प्रदीपराव जी पहले भी प्राचार्य थे माणा प्रताप पीजी कॉलेज के, तब भी वे यहाँ आते थे, आज भी आ रहे हैं। फिर पीके मल जी पहले भी आते थे और आज भी वे आपके बीच में आ रहे हैं। इसी प्रकार से श्री संतोगुड़ा ब्यारो जी पहले भी यहाँ आते थे, श्याम सुंदर निषाद भी पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं। और सभी सीताराम जायसवाल जी पहले भी आते थे, आज भी आपके बीच में आ रहे हैं। इस सब के पीछे एक ही ध्येय है और वह है कि पर्व और त्योहार हमारे यहाँ सामूहिकता का दर्शन है। हम सामूहिक रूप से मनाएंगे, अपनी खुशी को अपनी आपके साथ जोड़ करके देखेंगे। हरेक को दीपावली का मिष्ठान मिल सके, दीपावली का आयोजन हम मिलकर के मना सके और मिलकर के इस आयोजन में सबको सहभागी करके अपने पर्व और त्योहारों की खुशी को कई गुना बढ़ा सके। इसी दिशा में अयोध्या में हम लोगों ने दीपोत्सव के आयोजन को किया है और यही कारण है कि इस वन्य गांव में भी हम लोग हर वर्ष आकर के इस आयोजन में आपके साथ सहभागी बनते हैं। मैं यहाँ के मुखिया और चंद्रजीत को, ग्राम प्रधान बधाई मुन्ना सिंह को,
ग्राम प्रधान त्रिकोणिया श्री राजकुमार को और अन्य जो भी बन्ने गांव से जुड़े हुए जागरूक लोग हैं जो निरंतर आपके हकों के लिए लड़ते थे, कार्य करते थे, उन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों की मेहनत आज रंग लाई और उसका परिणाम है कि आप सबके साथ मिलकर के हम लोगों ने आपको आपका हक दिलाया है। सचमुच यह एक दीपावली का इससे अच्छा अवसर दूसरे के लिए होगा ही नहीं, जो अन्य गांव में बंटांगिया गांव में रहने वाले आप सभी लोगों को आज देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर भगवान राम तो 14 वर्षों तक वन में थे और अयोध्या आगमन उनका सुख पूरे देश के लिए हुआ कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े अत्याचारी और पापाचारी रावण का अंत करके जब सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा को विश्व पटल पर स्थापित किया तो पूरी दुनिया भारत के प्रति जो सम्मान का भाव व्यक्त कर रही थी, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली मनाया जाता है। लेकिन बंटांगिया गांव के लोगों को वनवास से उभरने में 100 साल से ज्यादा समय लगे। 1914-15 से लेकर के इनकी कहानी प्रारंभ होती है और इन्हें आजादी का सही मायने में एहसास तब हो पाया जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में आई। क्योंकि मैं नस्लीक से इनकी समस्याओं को जानता था इसलिए मुझे इस समस्या का समाधान करने में आसानी हुई, अन्यथा आने वाले समय में फिर से इनका इसी प्रकार से शोषण हुआ होता जैसे पहले होता था। इसलिए दीपावली का उत्सव आप सबके लिए विशेष है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र की मोदी जी की सरकार और प्रदेश में हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि विकास हम सबका करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, विकास की योजनाओं को समान रूप से हरेक नागरिक तक पहुंचाएंगे और वास्तविक राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने का कार्य आप सबके साथ मिलकर के करेंगे। दीपावली के अवसर पर आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए यह दीपावली का अवसर आप सबके जीवन में इसी प्रकार से हर्षोल्लास का अवसर में आपके जीवन को बदले, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाली से भरा हुआ हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।